हेलो दोस्तों, तो चलिए इस लेक्चर में आज देखते हैं हम संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशंस। इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 में। ठीक, और आपको बता दें 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस भी मनाया जाता है। 50 देशों ने शुरू में 50 देशों ने सैन फ्रांसिस्को में ड्राफ्ट तैयार किया था, और उसके बाद 26 जून 1945 में 50 देशों ने चार्टर पर हस्ताक्षर किए थे। बाद में 51 देश था पोलैंड। ठीक है, तो ये हो गए उनके संस्थापक सदस्य। इसमें सदस्य हैं 193, और इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। ठीक, दो निरीक्षक देश भी हैं इसमें सामने। इनकी भाषाओं की ऑफिशियल लैंग्वेज की बात कर लें तो यूएन की ऑफिशियल लैंग्वेज है अरबिक, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रांसी, फ्रेंच, रशियन, स्पेनिश। 6 इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है। ठीक है, अरबिक, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन, स्पेनिश। यूएन के मिशन कार्य देखने तो इसके चार्टर में नहीं तो देशों और सिद्धांतों द्वारा निर्देशित होते हैं। यूएन के प्रमुख भाग देख लेते हैं, तो इसमें पहला है महासभा। यह मुख्य यूएन का मुख्य प्रतिनिधि अंग है। यह विचार विमर्श एवं नीति निर्माण संबंधी कार्य करता है। यूएन के सदस्य महासभा के सदस्य होते हैं। सभी सदस्य महासभा का प्रतिवर्ष सम्मेलन सेप्टेम्बर में होता है। यह अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा, नए सदस्यों के आगमन, बजट, बहुमत से निर्णय करता है। दूसरा है सुरक्षा परिषद। यूएन का दूसरा अंग है सुरक्षा परिषद। यह अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखता है। इसका कार्य है प्रमुख। इसके सभी सदस्यों के लिए एक बोर्ड निर्धारित होता है। इसका निर्णय सभी सदस्यों पालन करने के लिए बाध्य है। इसमें कुल 15 सदस्य थे। 5 सदस्य स्थायी हैं, चीन, रूस, फ्रांस, यूके, यूएसए। इन्हें 5 स्थायी सदस्य हैं जो इन्हें वीटो का अधिकार है। वीटो का मतलब है यहाँ कि अगर किसी भी इन 5 देशों में किसी निर्णय पर अगर एक देश सहमत नहीं है तो उसे रद्द कर दिया जाएगा। और जो 10 अस्थायी सदस्य हैं इनका कार्यकाल रहता है 2 वर्ष। अगली बात करते हैं, तीसरा इसका अंग है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। इसका कार्य नीति समीक्षा और नीति वर्धन के लिए जिम्मेदार है। आर्थिक, सामाजिक एवं पर्यावरणीय मुद्दों पर सिफारिश करना इसका काम। विकास लक्ष्यों के क्रियान्वयन करना इसका लक्ष्य है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद का। इसमें कुल सदस्य हैं 54। यह सतत विकास केंद्रीय मंच है। इसमें स्थायी सदस्य हैं 1/3 सदस्य वर्ष मुक्त होते रहते हैं आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। कार्य आयोगों, स्थायी समितियों, विशेष संस्थाओं के माध्यम से करना इनका कार्य है। अगला है यूएन का अंग न्याय परिषद। सुरक्षा की परिषद के 5 स्थायी सदस्य से बनता है। ठीक है, ये विकसित देश हैं जो विकासशील देशों की सहायता करते हैं। यह ट्रस्टीशिप सिस्टम ट्रस्ट क्षेत्रों के लिए प्रशासन की निगरानी करता है। ट्रस्ट क्षेत्रों की स्वतंत्रता या स्वयं की सरकार की स्थापना। आपको बता दें न्याय परिषद पलाऊ द्वीप अमेरिका के स्वतंत्र होने के बाद इसके कार्य समाप्त हो गए। अगला देखते हैं, पांचवा है इसका अंग अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। यूएन प्रमुख न्यायिक अंग है इसका, यूएन का। इसमें 15 न्यायाधीश होते हैं। कार्यकाल रहता है 9 वर्ष। इसका मुख्यालय पीस पैलेस द हेग नीदरलैंड में, और बाकी सभी यूएन न्यूयॉर्क में ही है बाकी के सब। ठीक है, इसके में एक ही वाले जो दायक नीदरलैंड में अंतर्राष्ट्रीय कानूनी प्रश्न पर यूएन को सलाह देना इसका प्रमुख कार्य। अगला है सचिवालय। यूएन के प्रतिदिन के कार्यों का निपटान करना इसका महासचिव प्रमुख होता है। सचिवालय का 5 वर्ष के लिए नियुक्त किया जाता है। यूएन के कार्यों की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना, दूसरा है मानव अधिकारों की सुरक्षा, मानवीय सहायता प्रदान करना, सतत विकास को बढ़ावा देना, अंतर्राष्ट्रीय कानून को बढ़ावा देना इसके प्रमुख कारण। यूएन के प्रमुख
क्षेत्रीय केंद्र देखते हैं, नैरोबी केन्या में, अदिस अबाबा इथोपिया में, न्यूयॉर्क अमेरिका में, सेंटियागो चिली में, बैंकॉक थाईलैंड में, जेनेवा स्विट्जरलैंड में, बेना ऑस्ट्रेलिया में, द हेग नीदरलैंड में, बेरूत लेबनान में। इसके प्रमुख क्षेत्रीय केंद्र हैं। चलिए दोस्तों, तो ये थी यूएनए, संयुक्त राष्ट्र संघ। अगले लेक्चर में हम देखते हैं WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन।